नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, कुणाल खेमू वापस आ चुके हैं एक बार फिर एक और क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के साथ, जिसका नाम है दोस्तों अभय 2। दोस्तों हाल ही में उनकी मूवी आई थी लूट केस, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और इस बार फिर से वो वापसी कर रहे हैं Zee5 की ओरिजिनल वेब सीरीज अभय 2 के जरिए। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज कैसी है और क्या कुछ खास है इसमें, और आपको ये वेब सीरीज देखना चाहिए या नहीं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों इस सीजन की, तो दोस्तों ये सीजन बेहतरीन है और पिछले वाले सीजन से और भी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों आपको इसमें कई सारे थ्रिल वाले मोमेंट, सस्पेंस वाले मोमेंट और बोल्ड मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, इसे डायरेक्ट किया है बीपी सिंह ने, जो कि CID सीरियल के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। अब दोस्तों ऐसे में बात जा ही रहे कि आपको इसमें थोड़ा बहुत CID वाला मोमेंट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों इस सीजन के अभी तक केवल 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं, हालांकि इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। वो दोस्तों हम इस वेब सीरीज का रिव्यू केवल 3 एपिसोड के आधार पर कर रहे हैं। वो दोस्तों आपको इसमें कुणाल खेमू के अलावा चंकी पांडे, राम कपूर जैसे बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हर एपिसोड की स्टोरी एक डिफरेंट स्टोरी है। पहले एपिसोड में आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट के मर्डर को दिखाया जाता है, जो कि एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही किडनैप हो जाते हैं। वही दोस्तों दूसरे एपिसोड में एक सेक्स वर्कर होती है जो शहर के आसपास मर्डर कर रही है। और दोस्तों तीसरे एपिसोड में स्कूल के बच्चों की किडनैपिंग को दिखाया जाता है। अब अभय प्रताप सिंह यानी कि कुणाल खेमू इन केस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। वही दोस्तों इसकी स्क्रीन प्ले और एडिटिंग की बात करें, तो दोस्तों इसकी स्टोरी की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, स्टोरी काफी अच्छी है। आपको इस सीजन 2 में कई सारे कॉम्प्लेक्स केस और इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। वही दोस्तों इस वेब सीरीज को जिस तरीके से लिखा गया है वो दोस्तों काफी काबिले तारीफ है। जिस तरीके से हर एक एपिसोड की एंडिंग लिखी गई है वो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। वही दोस्तों आपको इसमें कोई भी नॉनसेंस वाला ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया है। हालांकि आपको कुछ स्टोरीज अनरियलिस्टिक जरूर लगेगी, लेकिन दोस्तों ये वेब सीरीज आपको देखने के लिहाज से काफी अच्छी लगेगी। ओवरऑल दोस्तों वेब सीरीज काफी अच्छी है। दोस्तों ये वेब सीरीज सीजन 1 के लिहाज से इसका सीजन 2 बहुत ही अच्छा है। कई ऐसे थ्रिल वाले मोमेंट आएंगे जहाँ पर वो आपको शॉक करके रख देंगे। आपको ये सीजन 2 जरूर देखना चाहिए। हालांकि आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा, बट अगर आपने पहला सीजन देखा है और आप सीजन 2 देख रहे हैं तो दोस्तों ये वेब सीरीज आप ही के लिए है, क्योंकि इसकी स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है वो CID और क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से तो ज्यादा अच्छे तरीके से लिखी गई है। वही दोस्तों पेरेंटल गाइडेंस की बात कर लूँ तो आप इसे अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे ऐसे सीन मिल जाएंगे जो काफी डिस्टर्बिंग और अनकम्फर्टेबल सीन्स हैं। वही दोस्तों रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3.2 स्टार देना चाहूंगा। वही दोस्तों आप कुणाल खेमू, राम कपूर और चंकी पांडे के फैन हैं तो दोस्तों ये वेब सीरीज आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों बस यही था मेरा रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।